करते हुए आग लगाते हुए दिखा सकते। ओ इसकी गिटी बच, ओए ओए, ये बुढ़ी बम हमारा जल गया, बुढ़ी बम जल गया, ओ फेंक दिया। ओहो, कृपया घर में ट्राई ना करें। क्रैकर टेस्टिंग बुढ़ी बम। देखो बारिश हो रही है, इधर खतरनाक वाली बारिश हो रही है। ये देखो इधर पूरा पानी पानी हो गया, बारिश हो रही है। तो बारिश में हम कौन सी टेस्टिंग कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। और कमेंट आ रहा है कि बहुत टेस्टिंग वीडियो करो, तो हम बारिश में सिर्फ क्रैकर्स बीडी बम ही टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो हम अब बारिश में बीडी बम टेस्ट करेंगे। देखो धूप में निकली और बारिश भी हो रही है, बारिश आपको दिख नहीं रही होगी पर हो रही है, अब हल्की होगी, पहले बहुत तेज़ हो रही थी। तो सबसे पहले हम बीडी बम चलाते हैं, ठीक है। ये बीडी बम हमारा जल गया, बीडी बम जल गया, ओ फेंक दिया। फटेगा बीडी बम? बुझ गया। अरे फटेगा फटेगा फटेगा। ओहो फ्रेंड्स, बारिश में सिर्फ यही टेस्ट हो सकता है और कोई बम नहीं टेस्ट हो सकता। एक और, अब दो बीडी बम एक साथ चलाएंगे, ठीक है। रेडी, एक बार फिर से। बारिश हो रही है मस्त वाली और धूप भी निकली हुई है। ऊपर का मौसम देखना चाहते हैं कुरु क्षेत्र का? ये देखो पूरे बादल और उधर सूरज निकला हुआ है। बहुत अच्छा और बहुत बहुत औसम मौसम है, देख रहे हो ये, ठीक है। और ऐसे मौसम में हम बीडी बम भी टेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं। फिर तेल बम बूझ जाता है। चलो इसको टेस्ट करते हैं फिर से, इसको आग लगाने के लिए तैयार। चलो बीडी बम टेस्ट करते हुए आग लगाते हुए नहीं दिखा सकते। दो बीडी बम और फेंक दिए पानी, चेक करो पहले कौन सा बचता है। ओ इसकी गिटी बच, ओए ओए, शोर तो अच्छा आता है यार बीडी बम। आई लाइक इट, बारिश में यही बीडी बम टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं कर रहा हूँ वीडियो शूट, वो देखो मेरा बुग्गा बड़ा है, वो लगा हुआ है, अकेले लगा हुआ है। तो बारिश में वीडियो में टेस्ट हो सकती है। कैसी लगी ये छोटी सी टेस्टिंग? मैंने अभी आज अभी बारिश देख रहा था, सोच रहा यार अभी मुझे टेस्टिंग वीडियो बनानी थी, अब कौन सी बनाऊंगा यार, मतलब की सारी जगह गिल्ला भी होगा। फिर दिमाग में हमारे पास एक ऐसा क्रैकर है जो पानी के अंदर चलता है, तो मतलब की पानी, अब बारिश में खड़े हुए हम इसको आग लगा के नहीं फेंक सकते। रीजन क्या है कि वो गिल्ला, आग लगने से पहले गिल्ला हो गया तो ये खराब है, पर एक बार आग लगी फिर आप इसको जहां मर्जी फेंको फिर चलता ही चलता है। बाकी किस किस का फेवरेट है कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। बारिश में वीडियो में चला के मजा आ गया। अब मैं फोन को एक साइड में रखे दो चार और चलाऊंगा, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे टेस्ट कर दिए, पर अब देख लो ना बुग्गा पड़ा, देखो इसके अकाउंट। ओए क्या कर रहा है बुग्गे? देख रहा, हाय कर दो। ये भी बहुत जल्दी टेस्टिंग करने वाला है। और एक भाई का कमेंट आया था, मुझे याद आया, भाई का कमेंट था कि भाई हम क्रैकर टेस्टिंग की वीडियो बनाते हैं तो हमें बड़ा दिक्कत होती है। तो भाई क्रैकर टेस्टिंग की वीडियो बनाते समय हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो वीडियो एडिटिंग करते हैं तब आग लगाते हुए नहीं दिखाना, क्योंकि पहले जो मैं शूट करता था ना, पहले ज़्यादा मज़ा आता, मुझे खुद वीडियो बनाने में मज़ा आता, आग लगाते हुए दिखा ही नहीं तो मज़ा नहीं आता ना, तो इसलिए थोड़ा टेस्टिंग में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। क्रैकर्स की वीडियो बना रहे हो तो सेफली बनाओ। जो क्रैकर्स की वीडियो बना रहा हो वो बड़ा बच्चा होना चाहिए, आग लगाते हुए दिखना चाहिए। और अगर क्रैकर शूट करते समय बच्चे भी दिखेंगे ना कहीं दूर भी खड़े हुए, तो भी वो एज रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं, जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं। या फिर आपका चैनल मोनेटाइज है तो उस पर जेलो डोर आ जाता, जिसकी वजह से पेमेंट नहीं आती, ठीक है। तो एक भाई का और कमेंट था कि वीडियो पे व्यूज बहुत आते हैं, क्रैकर्स पे इसकी कितनी पेमेंट आती? भाई क्रैकर्स की वीडियो पे ज़्यादा पेमेंट नहीं आती, एवरेज सी आती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पर कमेंट और लाइक बहुत आते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मजा सा आ जाता है, ठीक है। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो। बारिश में आप भी पटाखे चलाओ, मतलब कि बालकनी में खड़े होकर पटाखे फेंको गली में, मजा आएगा। बाय।